अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और वीडियो कबूतर पकड़ने की। वो तक ना काला वाला घूम रहा, काले बाजू वाला वो है। कोशिश करेंगे इसको पकड़ने की, मैं खुद पकड़ूंगा, बाल सब है नहीं मेरे। एक मार के पहले मुर्गियाँ का कुछ जुगाड़ कर लूँ मैं। आ आ आ आ, आ। वाले सब पत्नी कहाँ गए हैं, कुछ काम से गए हैं, इलेक्ट्रिशियन के काम में इस वजह से वो जाते रहते हैं। इस वजह से ना मैंने सोचा कि मैं खुद पकड़ लूँ, वाले सब घर में थे ही नहीं। फिर देख सकते हैं, आ आ आ आ आ, 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 आ। वो पट्टी के अंदर ही आ रहा है। कहेगा शेजी भी इस तरीके से ही पकड़ा मैं, लेकिन उसका दूसरा पार्ट ना बना नहीं सका, वही बनाने आया था मैं। मैंने सोचा था थोड़ा अच्छी तरीके से बन जाएगा दूसरा पार्ट, लेकिन वो उसका मौका ही नहीं मिल सका। आ 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 आ, 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 आ। आओ देखी बच्ची, जब मुर्गियां तंग करती है ना बहुत गुस्सा आता है। ऐसा करता हूँ पिंजरे का गेट ही खोल लेता हूँ। आ ताला लगा हुआ है यार, गेट भी नहीं खोल सकता। शिट 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 भाई शिट, आ देख सकते हैं ये हमारी फ्रेंड की कुत्ते की बच्ची। बैब डरा भी नहीं सकता, ये नई बच्चा है, ये डरता भी नहीं हमसे। चुपो, देखो मुर्गा का मुर्गा चुप हो गया। इस तरीके से जोर चलता था, लेकिन ये नए बच्चे होते हैं ना, वो नहीं, उनको जोर देना थोड़ा टाइम लगता है। आ आ आ आ आ आ आ आ यार, कबूतर अंदर भी नहीं जा रहा है। मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि क्या पता अल्लाह ने पकड़ना लिखा है तो
आ ही जाएगा। जेल थोड़ा दूंगा भी डालूंगा। आ आ आ आ आ, आ। तो थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। आ गया। आ आ आ इनको मैं भगाने नहीं दूंगा, इधर ही दाना खिलाते रहूँगा इनको भी। कल से देखो टोकरी में लेकर आया था दाना, बिना पोस्ट करे बना रहा हूँ वीडियो। कितने मिनट की बने मेरी भला से, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं है भाई पोस्ट करने के। सामने कबूतर है, अगर अंदर डाल दिया अल्लाह ने चाहे तो खुद ही अंदर जाएगा अपने कबूतरों के साथ। थोड़ा दूर होकर बैठ गया मैं रस्सी के पास, रस्सी के तेरे कोने पे बैठा हूँ। यार अंदर नहीं जा रहा है, दाने का पूरा ही डब्बा उठा रहा हूँ साथ। आ आ आ आ आ आ आ पूरे देखे भर के लाया था टोकरी। आ भर भर के मुट्ठी डालना, क्योंकि अकेला था मैं, अब दाना ही उठा के लिए आया हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा, तो मेरे साथ नहीं है ना। अंदर नहीं जा रहा है, चल। आ आ यस, ये कबूतर की रेड़ लग गई। टांग पे लग गई यार, शिट। ले इसको पकड़ लूं, खराब है फिर उसको देखता हूँ बाद में। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं आप सब, एक मोड़ा का साया मैं दिखाता हूँ। अभी बानिया पहना हुआ है, ये देख सकते। कैमरा भी साइड नहीं किया था मैंने, तो ऐसे ही अनशन बनाने शुरू हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये पकड़ चुका हूँ मैं। सफ़ेद मुँह का पूरा बानिया, फैंसी कबूतर है। तभी तो गोलों में चल रहा है, गुल्लू बना हुआ नीचे। माशाल्लाह अच्छा कबूतर पकड़ा है, आप देख के बताइएगा। दो आँख का, एक काली आँख का है और एक लाल आँख है, तिरछी आँख खिलाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और मैं वो वाला दिखा देता हूँ जो कल बना रहा था ना, उसकी वीडियो सेकेंड पार्ट जो है वो दिखा देता हूँ। चाबी नहीं है मेरे पास, ये सामने नज़र आ रहा होगा लाल शराजी आपको, काले के बराबर में जो बैठा हुआ है। एक मिनट के ब्राइटनेस यहाँ से ऑन कर, नज़र आ रहा होगा लाल शराजी आपको, यहाँ से दिखाता हूँ दूसरा जगह। नज़र आ रहा भी है लाल शराजी, याला याला ये वाला उंगली जहाँ से नज़र आ रही है, लड़ला जो है देख सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ये भी है, और माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत है कबूतर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर पकड़ा, और देखो किस तरीके से पकड़ा कबूतर तुम्हारे भाई ने। इसी खुशी में आप सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा वीडियो को, और जहाँ तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और नेक्स्ट बेल आइकन जरूर दबा दिया जो है। इसी तरीके से दूसरी वीडियो, इसी तरीके से आगे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिएगा, बेल आइकन भी। शुक्रिया बहुत बहुत, और जहाँ तक की बात है